गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. तो वी हैव टू कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज 3.3. ठीक है, तो देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन. गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस. हमने इक्वेशंस बतानी है, इक्वेशंस नॉट इक्वेशन. ठीक है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2 and 14 एंड हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर ड्रॉ एंड वाई. पहले हमने बतानी है वो इक्वेशंस जिसके पॉइंट्स जो किस पॉइंट से पास होती हो, 2 और 14. जब भी ऑर्डर्ड पेयर्स हो, पहला वाला एक्स और दूसरा वाला क्या होता है वाई. इसका मतलब एक्स इसमें 2 है और वाई जो है 14 है और हमने इक्वेशन बतानी है. अभी तक हमने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन दी थी, पॉइंट्स फाइंड आउट किए. पॉइंट्स दिए, हमने इक्वेशंस बतानी है. तो इक्वेशंस बताने के लिए हम कोई भी, अब आपको पता है इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, जिसमें 2 वेरिएबल्स हो. ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. इसका सॉल्यूशन दिया है हमें 2 और 14, यहाँ सॉल्यूशन दिया है और हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू वाई कर लू, एक्स मीन्स 2 है ना, एक्स 2 है, 2 प्लस 12 कितना होगा 14. ठीक है, या 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई, एक्स क्या लिया 2, तो किसके बराबर आ जाएगा अगेन 14. या 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई, या वाई माइनस 12 इज इक्वल्स टू एक्स. इसी तरह से आप अपने दिमाग से बड़ी सारी इक्वेशंस बना सकते हो ना. ठीक है, तो सो देयर आर इनफाइनाइट लाइंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट इक्वेशंस है, बड़ी सारी इक्वेशंस बना सकते हो. बड़ी सारी इक्वेशंस ऐसी हैं जो 2 और 14 से पास होंगी. 2 और 14 मिला के हमें एक पॉइंट मिलेगा जिससे इक्वेशंस बड़ी सारी पास हो सकती है. ठीक है, अब उसके बाद जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, और कितनी लाइन्स ऐसी होंगी एंड वाई. तो देयर आर इनफाइनाइट लाइन्स, और क्यों, बिकॉज थ्रू वन पॉइंट, हमें पता है कि एक पॉइंट से बड़ी सारी लाइन्स जो है पास हो सकती है. बिकॉज थ्रू वन पॉइंट इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी पास्ड. क्लियर, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3rd हमने कर लिया था, 4th 5th तक खत्म किया था. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. अगर जो वर्क डन बाय ए बॉडी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसको हमने एक्सप्रेस करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, और उसके बाद बाय टेकिंग एंड ड्रॉ द ग्राफ. और इसके लिए हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स. एक्चुअली क्या होता है, आपने फिजिक्स में, मुझे नहीं पता पढ़ा है अभी या पढ़ेंगे, क्या होता है जो वर्क डन है ना वो किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ठीक है, वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्टेंस. तो मैंने लेट कर लिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाई यूनिट्स, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वाई, और वर्क डन कितना है एक्स. तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या होगा, वर्क डन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल. तो वर्क मैंने लिया एक्स, इसका मतलब एक्स इज इक्वल्स टू एफ, क्या यहाँ पे फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हम कॉन्स्टेंट लगा देते हैं तो वो इक्वल टू बन जाता है, x is equals to f into y, where f is equals to force. इन्होंने क्या बोला है कि जो constant force लग रही है वो कितनी force लग रही है, 5 units. Force कितनी है 5 units. ठीक है, that means x is equals to 5y. तो x is equals to 5y हमारी क्या होगी, linear equation in two variables. उसके बाद हमने इसका graph draw करना है. तो graph बनाने के लिए हमें वही tabular form लेनी पड़ेगी. अगर मैंने y 0 ले लिया तो x भी 0 आएगा, बिकॉज 5 into 0 0. मैंने y 1 लिया तो x 5 आ जाएगा. y मैंने 3 ले लिया तो 5 x जो है वो मेरा 15 आ गया. उसके बाद मैंने ग्राफ बनाया. ग्राफ बनाते समय ये वर्क डन और डिस्टेंस की बात है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइड ज्यादा नहीं ली, पॉजिटिव साइड शो की, और वर्क डन मैंने नीचे ले लिया x, और जो मेरी y एक्सिस है उस पर मैंने क्या ले लिया, डिस्टेंस ट्रेवल. अपने पॉइंट्स
मार्क किए और जो लाइन मैंने ज्वाइन करवाई दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. और ये जो लाइन है ये ग्राफ हमें शो कर रही है किस चीज का, x इज इक्वल्स टू 5y. ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इफ y इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स इफ ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से देख के बताइए, व्हेन द वर्क, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 units. अगर डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने क्या लिया, y लिया ना, डिस्टेंस हमने क्या लिया y, अगर y 2 units है तो x कितना होगा, इफ y इज इक्वल्स 2 units x इज इक्वल्स 5 × 2 मीन्स 10 units. ठीक है, और ग्राफ पे भी हम नजर लगाएंगे कि हमारा क्या पॉइंट सही जा रहे हैं, 2 और 10 आ रहा है, देखो बिल्कुल आ रहा है. ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट इज इफ y इज इक्वल्स टू 0 देन x इज ऑल्सो 0. इसका मतलब व्हेन द डिस्टेंस इज मूव्ड बाय द बॉडी, व्हेन द डिस्टेंस, व्हेन नो डिस्टेंस इज मूव्ड बाय द, 0 मीन्स नो डिस्टेंस, व्हेन नो डिस्टेंस इज मूव्ड बाय द बॉडी देन नो वर्क इज डन ऑन द बॉडी. क्लियर. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इजी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि यामिनी एंड फातिमा टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आपकी क्लास के 2 students हैं, टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड. उन्होंने दोनों ने मिलकर क्या किया कि ₹100 कॉन्ट्रीब्यूट किए, हम इतना ही बताया कि दोनों ने मिलकर 100 किए, टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, राइट द लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डाटा. कोई भी लीनियर इक्वेशन बताइए जो डाटा को सेटिस्फाई करे, तो लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी, दोनों का मिला के ₹100 डोनेट किया, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100. लीनियर इक्वेशन तो यही बनेगी ना कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता, हमें ये पता कि टोटल उन्होंने ₹100 कॉन्ट्रीब्यूट किया. ठीक है, तो लेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, मैंने मान लिया कि यामिनी ने x कॉन्ट्रीब्यूट किए और फातिमा ने y कॉन्ट्रीब्यूट किए, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज ₹100, दैट मीन्स x प्लस y इज इक्वल्स टू 100. देन यू मे ऑल्सो टेक कॉन्ट्रीब्यूशन रुपीज x एंड y, देन ड्रा द ग्राफ ऑफ द, इसका हमने ग्राफ बनाना. तो अगर मैं x मान लेती हूँ कि यामिनी ने ₹40 दिए, इसका मतलब फातिमा 60 देगी, या दोनों 50-50 देंगे, या एक ने 70 एक ने 30 दिए, एक ने 80 एक ने 20, दोनों मिला के 100 बनना चाहिए. गॉट इट. ठीक है, तो उसके बाद मैंने इसका ग्राफ बना लिया, इसमें मैंने 4-5 points ले लिए क्योंकि ये तो बहुत ईजी था. ठीक है, तो ग्राफ बनाना आएगा सबको, इस पे भी मुझे नेगेटिव साइड नहीं शो करनी थी क्योंकि रुपीज की बात है. एक तरफ वाई एक्सिस पे मैंने फातिमा को ले लिया और एक्स एक्सिस पे मैंने यामिनी को ले लिया, तो 10-10 स्केल चूजन मुझे लिखना है कि स्केल मैंने क्या चूज किया, 10 small divisions इज इक्वल टू ₹10 लिए. ठीक है, तो उसके बाद जहां पर ऑर्डर पेयर्स मेरे मिलते थे पॉइंट्स ले लिए और पॉइंट्स को ज्वाइन करवाया, तो मेरा जो ग्राफ बना वो स्ट्रेट लाइन का बना. क्लियर. ठीक है.